नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के पुरगाजी क्षेत्र के खादर इलाके में बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को लेकर और बांध बनवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किन्नर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी और महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर सैकड़ों महिलाओं के साथ सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर अरविंद मलप्पा बंगारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह को सौंपा। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए नाजिम बाजी और रिया किन्नर ने कहा कि गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं के लिए वह हर समय संघर्ष करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर खादर क्षेत्र में जल्द बांध का निर्माण नहीं हुआ तो जीआईसी मैदान में भूख हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रीय किन्नर संघ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुल्फिकार मलिक, महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुंतजा इतरीसी, ब्लॉक अध्यक्ष नरगिस, उमा भारती, पिंकी, हसीब बेगम आदि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही। मैं नाजिम बाजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं खादर में पानी भरा पड़ा, गरीब जनता परेशान है खाने से, रहने से, और खेती उनकी खत्म हो चुकी, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे वो लोग। उसके बारे में उन्हें कुछ सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें कुछ क्या कहे, जो खेती है खत्म हो गई वो भी मिलना चाहिए दो पैसे। मुआवजे की भी मांग उठा रहे और बेटी की एक टांग तोड़ दी उसके मालिक ने, उसके फैसले की भी मांग उठा रहे। इस संबंध में कल आपने एक महापंचायत में चला था, जो गरीब मजदूरों की इस तरह की समस्या है उसको लेकर के क्या पहले शुरुआत ऐसे करती है? हाँ, गरीबों के साथ तो अरे गरीबों के साथ हम खड़े है। हम आज अपने खादर वालों के सम्मान में यहाँ पे आए हैं। खादर के हमारे साथ में बहुत सारी महिलाएं हैं, हमारे दोनों संगठन आए हैं, राष्ट्रीय महिला एकता संगठन और राष्ट्रीय किन्नर संघ। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन से मैं रिया किन्नर राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्रीय किन्नर संघ से हमारी नाजिम बाजी, नाजिम दादी मुजफ्फरनगर से। हम दोनों अपने संगठन से आए हैं बाढ़ पीड़ितों के सम्मान में। हम चाहते हैं कि सरकार वहाँ पे जाए, देखे कि जो उधर के रहने वाले हैं वो बाढ़ के पानी से कैसे ग्रसित हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके घरों में कैसे पानी घुस रहा है, कैसे जंगली जानवर घुस रहे हैं। तो ये अगर कोई सरकार वाला वहाँ पे जाएगा तो जाके वो देखी जाएगी उनको क्या दिक्कत आ रही है। और अभी उन्होंने बोला है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं उस पर, और हम भी देखते हैं कि कार्रवाई कैसे होती है तो ठीक है, नहीं तो 15 दिन के बाद में जीआईसी मैदान पे मैं धरने के साथ साथ में भूख हड़ताल पे बैठूंगी। ये मेरा अल्टीमेटम है, पहले से ही मैं पहले भी दिया था, जब मैं यहाँ पे बैठ गई थी मैं अब भी बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए पहले मेरे खादर की जनता है जो मुझे इतना प्यार देती है कि मेरे एक बार बोलने से वो मेरे साथ में खड़े हो जाते दिलो जान से, तो मैं भी उनके साथ में दिलो जान से खड़ी हूँ। तब जब हाँ पीड़ित महिला के बारे में भी थी, हमें हमारे साथ में उसके सामने केस हुआ है, उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा कि उसके पैर की हड्डी तक तोड़ दिया, तो उसी के सम्मान में भी हम एक एप्लीकेशन दिए हैं थाने, इसमें एडीएम साहब को, तो बोलते हैं कि मैं चरथावल थाने में बात करता हूँ। तो नहीं, हमें अभी एक बात बताइए, हम ये चाहते हैं कि जो बेटी है उसका घर ना उजड़े, उसका हस्बैंड समझ जाए ताकि उसको मार पिटाई ना करे घर में। मतलब आप एक बात बताइए, जब एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक को निकाल के फेंक दे, गाड़ी कैसे चलती है? अगर हम उसका पैर तोड़ देंगे तो फिर घर में कैसे काम चलेगा, आप बताओ मुझे। तो उसमें आपने प्रयास नहीं किया कोई कॉम्प्रोमाइज़ क्या है? वो तो मतलब बात हो ही जानी है उनकी, अभी उसका पैर टूटा हुआ है, उसका पैर टूटा हुआ है, वो पीछे बैठे वहाँ पे उसको रिक्शा में, कहाँ ये रही ये इधर आना। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।